अर्जेंटीना में सोयाबीन उत्पादन क्षेत्रों में वर्षा से सीबोट सोयाबीन और सोया तेल में बिकवाली बढ़ने के कारण गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि केएलसी में 106 माइनस तो प्रोजेक्शन 34 माइनस बताया जा रहा है। इधर इसका असर हाजिर बाजारों पर भी देखने को मिला है। इंदौर की मंडियों में सोयाबीन तेल 25 से 30 रुपए टूटकर 1370 से 1375 रुपए पहुंच गया है, जबकि पाम तेल 20 रुपए घटकर 1035 रुपए प्रति 10 किलो रह गया है। इन दामों पर भी खरीदारी काफी कमजोर देखने को मिल रही है। दूसरी ओर बिरसा मुंडा जयंती की वजह से प्रदेश मध्य प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में अवकाश देखने को मिला, लेकिन कुछ मंडियां खुली रही। वहीं प्लांटों की खरीदारी ऊंचे दामों पर कमजोर रहने से कई प्लांटों द्वारा दामों में भी कटौती की गई है। आपको बता दें कि देश भर में सोयाबीन की आवक घटकर 4,50,000 बोरी रह गई है। वहीं इंदौर व्यापारी छावनी मंडी में सोयाबीन की आवक फिलहाल 6,000 बोरी देखने को मिल रही है। और अगर भाव की बात की जाए तो भाव 5,300 से लेकर 5,700 रुपए देखने को मिल रहे हैं, जबकि एवरेज 5,000 से 5,200 रुपए प्रति क्विंटल पर माल बिकता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।